हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिजु, मेरे चैनल टेक गेन पर सबका स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले टेक न्यूज़ के बारे में, इंटरेस्टिंग जो टेक अपडेट्स निकल के आई है उसके बारे में। हालांकि टेक अपडेट्स में आपको बताना शुरू करूँ उससे पहले और एक बात की, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप वीडियो का एंजॉय कर पाओ। और इस वीडियो के अंदर जो यस्टरडे S21 सीरीज लॉन्च हुई उसके बारे में, उसके इंडियन प्राइस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक पूरा देखना ताकि S21 के रिलेटेड जो है कोई भी अपडेट जो है आपसे रह ना जाए। तो चलिए देखते हैं कि और क्या टेक अपडेट्स आज निकल के आई है। तो अब हम जो पहले अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में। तो अभी थोड़े दिनों पहले जो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग का M02S स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन का 450 SoC मिलने वाला 13 MP का ट्रिपल कैमरा के साथ वो स्मार्टफोन आने वाला था। और अब जो है उसकी सेल डेट जो है अनाउंस हो गई है, 19 जनवरी को जो है उसका सेल स्टार्ट हो जाएगा। 8999 जो है उसकी प्राइस होने वाली है। तो जो लोग भी ये बजट स्मार्टफोन के या फिर कह लो एंट्री लेवल स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड है, 19 जनवरी से जो है आपको ये स्मार्टफोन आपके नज़दीकी स्टोर में जो है वो मिलने वाला है। तो अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है स्नैपचैट की तरफ से। तो स्नैपचैट की तरफ से अब ये अपडेट निकल के आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट था स्नैपचैट के ऊपर, अब वो परमानेंटली जो है स्नैपचैट के ऊपर बैन कर दिया गया है। हालांकि जो कैपिटल राइज हुए थे उसके चलते उसका पहला सस्पेंड तो अकाउंट हो ही चुका था, बट अब उसको परमानेंटली बैन कर दिया गया है। और यहीं पर नहीं, ऑलरेडी इससे पहले ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो है उनका जो भी अकाउंट था वो ऑलरेडी बैन हो चुका है। और पता नहीं कहां कहां से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बैन होने वाला है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है आजूस के स्मार्टफोन के बारे में। तो एक न्यू ROG आजूस स्मार्टफोन जो है वो टीज किया जा रहा है, और जिस तरह से उसका पोस्टर निकल के आया है, शायद आप रूमर समझ के चलो मेरी तरफ से, कि शायद जो है ये स्मार्टफोन अंडर डिस्प्ले कैमरा के टेक के साथ जो है वो आ सकता है, और स्नैपड्रैगन 88 तो बट ऑब्वियस SoC वो होने ही वाला है। अब देखते हैं कि और कौन से नए फीचर्स के साथ इस बार आसूस अपना नया ROG स्मार्टफोन जो है वो लेके आती है। तो अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है ओप्पो की तरफ से। तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले टेक न्यूज़ के अंदर बताया था कि ओप्पो एनको एक्स करके TWS जो है वो लॉन्च करने वाली है, और शायद वो ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G स्मार्टफोन का जो लॉन्च होने वाला है इंडिया में उसके साथ लॉन्च होने वाला है। तो अब ये ओप्पो की तरफ से कन्फर्म हो चुका है, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि 18 जनवरी को, यानी कि जिस दिन ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है उसी दिन उसी टाइम पर जो है उसी के साथ अब ये ओप्पो की तरफ से आने वाले एनको एक्स TWS जो है वो लॉन्च होने वाले हैं। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है अगेन सैमसंग की ही तरफ से निकल के आ रही। तो सैमसंग की तरफ से आने वाला A32 5G स्मार्टफोन जो है अब वो डेब्यू कर चुका है जर्मनी के अंदर, और इसके स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह के, जिसके अंदर हमें 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले मिल जाता है, 30 MP का सेल्फी कैमरा, क्वाड कैमरा सेटअप है जो है 48+8+5+2 का, 1770 720 SoC के साथ स्मार्टफोन आता है। साथ में 4, 6 और 8 GB रैम का ऑप्शन मिल जाता है, स्टोरेज ऑप्शन हमें 64 और 128 GB तक के मिल जाते हैं। साथ ही में 64 GB स्टोरेज की जो बेसिक स्टार्टिंग वेरिएंट की जो प्राइस है वो है 279 यूरो, यानी कि 24,800 के आसपास होती है, और 128 GB स्टोरेज वाली की प्राइस होती है 299 यूरो, यानी कि 26,600 जो है इसकी प्राइस रखी गई है। और इसकी जो सेल है वो कुछ इसी महीने से जो है जर्मनी में स्टार्ट होने वाली है। और आपको ये भी बता दूँ कि A32 का जो 4G वेरिएंट है वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर जो है BIS सर्टिफिकेशन क्लियर कर चुका है, यानी कि बहुत जल्दी हमें ये स्मार्टफोन भी जो है इंडिया में लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है OnePlus के स्मार्टफोन के बारे में। तो OnePlus 9 क्या जो एक सीरीज़ का एक स्मार्टफोन है OnePlus Lite, कहा जा रहा है कि OnePlus Lite स्मार्टफोन जो है इंडिया और चाइना में जो है स्नैपड्रैगन 865 SoC के साथ जो है वो आने वाला है। अब इससे पहले ये रूमर निकल के आया था कि ये जो स्मार्टफोन है उसे शायद OnePlus 9 Lite की जगह पे शायद OnePlus 9e भी कहा जाएगा, हालांकि नाम में अभी तक कोई कंफर्मेशन निकल के नहीं आया है। और अब ये रिपोर्ट निकल गया है कि शायद OnePlus 9 Lite जो है वो 865 SoC के साथ आने वाला है, यानी कि फ्लैगशिप SoC के साथ आएगा, यानी इतना भी नहीं है कि 25-30 हज़ार में आपको मिल जाएगा, बट 40-45 थाउजेंड के आसपास या फिर 35-40 थाउजेंड के आसपास जो है इसकी प्राइस हो सकती है। तो अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है सैमसंग के A52 स्मार्टफोन के बारे में, और कहा जा रहा है कि इसका जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और रूमर्ड स्पेक्स की माने तो स्नैपड्रैगन 750G SoC के साथ ही स्मार्टफोन आने वाला है, साथ ही में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी जो हमें इसके अंदर मिलने वाला है। और बाकी जो स्पेसिफिकेशन है अब तक जो है वो क्लियर होकर सामने नहीं आए हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी ये भी BIS सर्टिफिकेशन क्लियर कर चुका है। तो अब देखते हैं कि ये स्मार्टफोन कौन से स्पेक्स और कौन सी प्राइस के साथ
इंडिया में लॉन्च करती है सैमसंग। तो अब जो मैं आपको आखिरी हम कुछ एक दो अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है पूरा का पूरा जो सैमसंग का इवेंट हुआ था अनपैक्ड इवेंट उसके बारे में। तो पहले हम स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके अंदर S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा ये तीन स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं। पहले हम बात करेंगे अब S21 और S21 प्लस के स्पेसिफिकेशन के बारे में। ये दो स्पेसिफिकेशन के बारे में इसलिए बात करने वाले कि ये दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर सिर्फ स्क्रीन और बैटरी साइज़ है उसका ही फ़र्क है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं दिया गया हुआ है। और बाकी प्राइस में डिफरेंस ज़रूर है स्क्रीन और बैटरी के हिसाब से। तो पहले हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो S21 के अंदर हमें 6.2 इंच का फुल HD प्लस AMOLED 2X इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिल जाता है जो 120 हर्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और S21 प्लस के अंदर हमें 6.2 की जगह पे 6.5 इंच का जो है वो डिस्प्ले मिल जाता है, 6.5 नहीं बट 6.7 इंच का। साथ ही में Exynos 2100 SoC आने वाला है इंडिया के अंदर, US के अंदर हमें Snapdragon 888 SoC मिलने वाला है। बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में, तो 4000 mAh हमें S21 के अंदर मिल जाती है और 800 mAh जो है वो हमें S21 प्लस के अंदर मिल जाती है। साथ ही में ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप मिल जाता है जो है 12+64+12 का, 10 MP का हमें सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अब बात करते हैं S21 अल्ट्रा स्मार्टफोन के बारे में, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। प्राइस में आपको सभी की जो है स्टोरेज के हिसाब से मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगा लास्ट में। जो गैलेक्सी S21 अल्ट्रा है उसके अंदर हमें 6.8 इंच का क्वाड HD प्लस AMOLED X2 इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिल जाता है। साथ ही में इसके अंदर हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जो है 108 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 10 का। साथ ही में 40 MP का हमें सेल्फी कैमरा मिल जाता है। बैटरी जो है इसके अंदर हमें मिल जाती है 5000 mAh की, और साथ ही में इसके साथ हमें एस पेन का भी सपोर्ट मिलने वाला है। और हालांकि एस पेन और एस पेन प्रो ये दोनों ही एस पेन लॉन्च हुई है, बट एस पेन प्रो जो है वो लेटर दिस ईयर यानी कि आगे जाके इसी साल जो है हमें लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाली है। और साथ में और एक चीज़ आपको बता दूं कि एस पेन से सपोर्टेड आगे भी सैमसंग जो है बहुत सारे डिवाइसेज अब लॉन्च करने वाला है जिसमें एस पेन आपको साथ में शायद नहीं मिलेगी, बट उसका सपोर्ट आपको उस स्मार्टफोन के अंदर जो है वो ज़रूर मिलने वाला है। अब बात करते हैं हम आगे इसकी प्राइस के बारे में। तो अब हम पहले हम बात करने वाले हैं S21 की प्राइस के बारे में, जिसके अंदर हमें 8GB रैम और 128 और 256GB की स्टोरेज मिल जाती है। तो जो 128 वाला स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है उसकी जो प्राइस है वो है 69,999, 256GB वाले वेरिएंट की प्राइस रखी गई है 73,999। S21 प्लस के अंदर भी हमें 8GB रैम मिल जाती है और 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है वो है 81,999 और 256GB वाले वेरिएंट की रखी गई है 85,999। S21 अल्ट्रा के अंदर हमें दो वेरिएंट मिल जाते हैं, अगेन 12GB रैम और 16GB रैम के साथ। 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज वाले की प्राइस रखी गई है 105,999 रुपये, और जो 16GB रैम प्लस 512GB स्टोरेज के साथ है उसकी प्राइस रखी गई है 116,999 रुपये। और ये जो सारे मॉडल्स है उसका प्री ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी इंडिया में स्टार्ट हो चुका है 15 जन यानी कि आज से ही जो है स्टार्ट हो चुके हैं। और इसका जो डिलीवरी डेट है वो कहा जा रहा है कि 25 जन से इसकी डिलीवरी जो है स्टार्ट हो जाएगी जिन लोगों ने प्री बुक किया होगा। अदरवाइज ओपन जो सेल है उसका 29 जनवरी से जो है पूरे इंडिया में स्टार्ट होने वाला है। साथ ही में इसके अंदर कुछ HDFC की 10,000 कैशबैक की ऑफर मिलने वाली है जो है S21 अल्ट्रा के लिए, 7,000 कैशबैक मिलने वाला है S21 प्लस के अंदर, और 5,000 जो कैशबैक मिलने वाला है वो है S21 के अंदर। साथ ही में सैमसंग ने इसके साथ जो है सैमसंग स्मार्ट टैग भी जो है वो लॉन्च किया है, उसकी प्राइस इंडिया में तकरीबन 2700 के आसपास होने वाली है। कंफर्म प्राइस अभी तक निकल के सामने नहीं आई है और शायद यह पैर में मिलने वाले सिंगल एक नहीं मिलने वाला है। साथ ही में गैलेक्सी बड्स प्रो जो है सैमसंग ने लॉन्च किए थे जिसकी प्राइस जो है इंडिया में रखी गई है वो है 15,990 यानी कि ऑलमोस्ट 16,000 इसकी प्राइस रखी गई। इसका भी प्री ऑर्डर जो है वो आज से शुरू हो चुका है, हालांकि इसकी जो डिलीवरी है वो 29 जनवरी से शुरू हो जाएगी जिन लोगों ने प्री ऑर्डर किया होगा, और उसी दिन से इसका ओपन सेल भी जो है वो शुरू होने वाला है। तो आप देख लीजिए कि आप इसके अंदर इंटरेस्टेड है या नहीं है। मुझे हालांकि जो S21 अल्ट्रा है उसके अंदर जो कस्टम कलर्स है फैंटम नेवी फैंटम जो ब्राउन कलर है वो दो कलर मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा अच्छे लगे हैं। अब देखते हैं कि फिलहाल के लिए तो अभी तक वेबसाइट के ऊपर इंडिया की नहीं दिखा रहा है, बट क्या आगे जाके ये कलर्स इंडिया में मिलने वाले हैं या नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में मिलने वाले हैं, कुछ कुछ कंट्रीज़ के अंदर ही जो है ये कलर्स ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होने वाले हैं।
तो अब पता नहीं इसमें से मैं कोई डिवाइस परचेस करूँगा या नहीं करूँगा, बट अगर मैं करता हूँ तो मैं श्योर आपके लिए उसका एक रिव्यू जो है फॉर श्योर लेके आ जाऊँगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम ट्विटर या फिर फेसबुक पर जाइए, वहाँ पर मुझे फॉलो करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं श्योर रिप्लाई दूंगा। मेरे लिए कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर अभी भी अभी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच रहा है, वीडियो का एंजॉय कर पाओ। और आज मैंने और एक वीडियो जो है अपलोड की है चैनल के ऊपर, और वो है व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेके, और कौन सी आपके लिए सबसे ज़्यादा और सिक्योर मैसेजिंग ऐप है उसके बारे में भी मैंने उसके अंदर बताया है। टेलीग्राम और सिग्नल के बारे में भी बात की है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन कर दे दूँगा, आप जाइए और उसे उस वीडियो को भी जो है आप अपना प्यार दिखाइए और वीडियो को आप देख सकते हो। तो बस दोस्तों आज के लिए अभी मैं विदा देता हूँ, और तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, बिना काम के बाहर मत निकलिए, मास्क ज़रूर पहने और टाइम टू टाइम हैंड वॉश करते रहिए। थैंक यू।